वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा ये आई थिंक फोर्थ नंबर का चैप्टर, सॉरी फिफ्थ नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम अभी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। दो एग्जांपल लेंगे, उससे आपको कंप्लीट जो प्रोसेस है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने की वो समझ में आ जाएगी, और इसमें से एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस एग्जाम्पल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रीवियस अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाके आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर लिख देंगे पहले एग्जाम्पल है हमारा गिवन 3 + i (x + 1 - i) = 1 + 7 i, और फाइंड x एंड y। तो गिवन हम लिख देंगे यहाँ पर 3 + i (x + 1 - i) = 1 + 7 i, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये x i ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये y - y (i) = 1 + 7 i। तो देखिए ये 3x और ये प्लस i प्लस y, इसके साथ में कोई भी i नहीं है, और यहाँ पर देखिए x i और ये y i, तो इसमें से अगर हम x माइनस वाई और इसमें से आई कॉमन निकालेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो 1 + 7 i। तो देखिए ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो हम कंपेयरिंग लिखेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट, यहाँ पर रियल पार्ट 1 है, यहाँ पर 3x + y, तो ये 3x + y = 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है x - y = ये आ जाएगा 7। तो ये x - y = 7 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y = a (1) + 3x, इस तरफ -3x, तो y की जगह पर हम इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें हम ये पुट करेंगे 1 - 3i, तो x माइनस और y की जगह पर हम 1 - 3x पुट करेंगे, और a = 7। तो देखिए यहाँ पर x - 1 + 3x = 7, 3x + x हो जाएगा 4x, और ये -1 यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो ये 4x = 8। तो यहाँ पर x = 8/4 x = 2, तो x = 2 वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना, तो पुट x = 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, y = 1 - 3x, 1 - 3x की वैल्यू 2, 3 × 2 = 6, 1 - 6 हो जाएगा -5, तो ये y की वैल्यू हमारी मिल गई -5, और x की वैल्यू 2। तो इस तरह से मैं फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है if 10/3 + 4i = x + i y, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपली यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन लिख देंगे, ठीक है। ये 10/3 + 4 10/3 + 4i = x + i y, तो यहाँ पर x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो हमें लेफ्ट साइड भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना है, ठीक है। a प्लस बी आई और x प्लस आई वाई दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ यहाँ पर a और b की जगह पर x y यहाँ पर वेरिएबल लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है लेफ्ट साइड किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है i है, इसका मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 10 × 3 - 4i / 3 + 4i (3 - 4i) कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 × 3 हो जाएगा 30 - 40i, a + b (a - b) मतलब 3² - 4i² = x + i y। तो देखिए यहाँ पर 30 - 40i / 3² = 9 - 4² = 16, और i² हो जाएगा -1,
इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट साइड को आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। ये 30 माइनस 40 आई अपन माइनस 16 इंटू माइनस 1 प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये 25 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर डिनोमीटर अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्स प्लस आई वाई 5 6 जा और ये 5 5 जा, ठीक है। 6 अपन 5 5 8 जा 5 5 जा 8 अपन 5 एक्स प्लस आई वाई। देखिए यहाँ पर रियल पार्ट अलग, इमेजनरी पार्ट अलग, तो कंपेयरिंग हम करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 5 और y इक्वल टू आ जाएगा -8 अपॉन 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 अपॉन 5 और -8 अपॉन 5। तो दोस्तों इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकालना सीख लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं हमारे मैथ्स के तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।